तो दिस इज द चाइना रोज, इसमें बहुत सारी पत्तियां हैं। इसमें से मैंने बताया कि यह जो है इसका अपर सरफेस है और यह लोअर सरफेस, जो कम ग्रीन है वो लोअर सरफेस है, जो ज्यादा ग्रीन है वो अपर, जो अपर सरफेस वो चिकना होता है। अब यहाँ से हम इसमें तोड़ लेते हैं, देखिए हम लोअर सरफेस दिखे, इधर देखो ये लोअर सरफेस से निकाल रहे हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे, देख रहे हो व्हाइटिश कलर दिख रहा है, जितना आसानी से इसको खींचेंगे उतना ही बढ़िया से देखिए निकलते जा रहा है, देख रहे हैं निकलते जा रहा है, ये बिल्कुल आपको निकलते जाएगा मिलते जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें वाच ग्लास में पानी ले लीजिए, पानी ले करके और इसी में डाल दीजिए कि वो सूखने न पाए, ठीक है, सूखेगा तो खराब हो जाएगा, खराब होने का डर रहेगा, ठीक है, इसलिए वो सूखने न पाए। और इसको एक काम और करिए कि जैसे ही निकल जाता है इसकी छोटी सी पीस काट लीजिए, जैसे निकला हुआ है तो आपके पास सीजर दिया गया है, ये सीजर दिया गया है, इससे छोटी सी पीस क्या करेंगे इसकी काट लें, हाँ तो छोटा ही चाहिए ना आपको, जितना बड़ा लेंगे उतना नुकसान होगा, फोल्ड हो जाएगा, नहीं नहीं फोल्ड हो जाएगा, बड़ा नहीं दिखेगा फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा तो फिर आप देख ही नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है कि छोटा ही लीजिए, ठीक है, हमेशा बड़ा के चक्कर में नहीं रहना, छोटा लेंगे वो आराम से दिख जाएगा। अगर यही पिटूनिया की लीफ होती तो और आसानी से निकल जाता है, ये स्पिनच होता तो उसमें से, हाँ पालक में भी, तो इस समय तो मिलेगा नहीं, तो इस समय जो मिल रहा है उसी से निकालिए आप, ब्रायोफिलम की पत्ती में भी बड़ी आसानी से निकल जाता है, ठीक है, छोटा सा पीस इसमें ले लीजिए, हाँ छोटा ही रहेगा, बड़ा पीस फोल्ड हो जाएगा और फोल्ड हो जाएगा तो दिख नहीं पाएगा, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएगा तो आप देख ही नहीं पाएंगे, कोई लाभ नहीं है उसका, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे पीस आ गए इसमें हमारे पास, अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेफ्रानिन, देखिए यहाँ भी सेफ्रानिन, आप इसको सामने कर दीजिए, ऐसे करेंगे इस तरह से, देखिए आते रहेगा, ये आ रहा है, ऐसे ले लीजिए, एक दो ड्राप ले लीजिए, तीन ड्राप ले लीजिए, आप चाहें तो इससे भी ले सकते हैं, यहाँ भी इससे दबाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ब्रश दिया गया है और ब्रश से क्या करेंगे, थोड़ा इसको स्ट्रेन कर दीजिए तो इन्फॉर्म हो जाए, मिल जाए और ये इन्फॉर्म हो जाएगा, एकदम मिल जाएगा। अब इसके बाद ये इन्फॉर्म हो गया, अगर स्ट्रेन ज़्यादा है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ले लिए हैं, तो इसको क्या करिए, इसमें थोड़ा वाटर मिला दीजिए, नहीं लगा लग रहा है कि नहीं ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये होगा कि आप यहाँ से इसको आप फिल्टर पेपर ले लीजिए और फिल्टर पेपर ले करके आप इसको सिलाई को साफ कर लीजिए, एकदम इसको क्लीन कर दीजिए, सब फिल्टर पेपर मिल जाएगा। सिलाई को क्लीन करने के बाद यहाँ पर ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन हाँ दीजिए और यहाँ पर इसको खोल लीजिए, इसमें से ये ग्लिसरीन इसमें ड्रॉपर से ले लीजिए, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और आप एकदम मीडियम में सिलाई के मीडियम में ले लीजिए ग्लिसरीन को ब्रश की सहायता से, अब इसमें से आप यह लीफ पील को ले लीजिए, छोटी पील जितना ही लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, बड़ी पील लेंगे तो आपको परेशानी होगी, फोल्ड हो जाएगा, देखो नहीं वो तो बड़ी वाली है, मैं छोटी खोल जा रहा हूँ, ये उठाते ही फोल्ड हो जाते हैं, डूब जाएगी, ठीक है। साफ कर देंगे,
क्लीन करके और प्रोसेस में भी आपको कुछ लगा होगा कि जैसे साफ कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसेस से इसको पकड़ लेंगे, पकड़ करके बहुत धीरे धीरे एक किनारे से स्लोली रखेंगे, जेंटली रखेंगे, अभी अपने आप जगह भर जाएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके पास है, यहाँ पर देखिए आपने आई पीस है, यहाँ पे हमारी आई और यहाँ पे नोज पीस है, ये स्लाइड स्टेज है, यहाँ सुसेप्ट बेस है, ये मेगा एडजस्टमेंट के लिए है, माइक्रो एडजस्टमेंट के लिए है, ये स्लाइड के लिए। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये लाइट को सेट करते हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंटा हैं, बहुत सारे हैं, बिल्कुल देखो ये अपनी तरफ करो, डार्क वाला ये वाला बाहर की तरफ करो, इसके बाद हाँ यस, आपको मालूम है कि इंस्ट्रूमेंटा कहाँ पाया जाता है, निचली सतह पे, इसका ऊपरी सतह एकदम जो एकदम डार्क ग्रीन है वो ऊपरी सतह है, इसमें क्यूटकिल का लेप लगा है, निचली सतह पे क्यूटकिल नहीं, जो हल्का है वो इंस्ट्रूमेंटा उसी में है। अब ऐसे पकड़ करके ठीक उल्टा थोड़ा सा टीज करिए, टीज करिए ऐसे, और टीज करेंगे एकदम से इसमें से इंस्ट्रूमेंटा हल्के से जो है लिप भी निकल जाएंगे, देखिए उसको कट कर लीजिए और ले लीजिए, इसे काट लीजिए, देखिए इतना निकला है ना, इसी को काट लीजिए धीरे सा ऐसे हल्का सा, एक कट करके इस वॉच ग्लास में अब लीजिए, तब ये दिखाई देगा। अब लेने के बाद इसको क्या करेंगे आप, सेफ्रानिन से कलर कर देंगे, दो ड्रॉप ले लीजिए, क्या करेंगे स्लाइड एक ले लीजिए, स्लाइड लेकर के यहाँ से फिल्टर पेपर निकाल लीजिए और फिल्टर पेपर निकाल करके इसके बाद इसको क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद आपको बोला था मैंने कि यहाँ पर आपके पास में ग्लिसरीन है, ये ग्लिसरीन लेकर के ग्लिसरीन एक या दो ड्रॉप यहाँ पे मीडियम में मीडा पर स्लाइड ग्लिसरीन फोर्सेप्स से इसको हो गया, देखिए आप लोग करिए और स्लाइड हमेशा ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो स्पार्क लग जाएगा बिल्कुल जैसे मैं पकड़ा हूँ, देख लीजिए स्लाइड इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, लगा के देखिए और ये देखिए बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से आप सब लोग अपना बनाए, अपनी सीट पर बैठ जाइए, अपनी सीट पर बैठिए, इसको आप लेके ऐसे थोड़ा सा खींचिए, देखिए निकल गया, इसको काटिए पानी में रखिए और बना करके आप जज करके हमको दिखाइए। अब माइक्रोस्कोप में आपने देखा तो आपको क्या मिला, इंस्ट्रूमेंटा क्या है, ओपनिंग है, इट इज गार्डेड बाई ए पेयर ऑफ गार्ड्स, एक जोड़ी गार्ड्स से गार्डेड होते हैं। इंस्ट्रूमेंटा का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसफर।